नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का विश्व शांतम में। आज हम जानेंगे उन 36 चीजों के बारे में जो जरूर होनी चाहिए आपके करवा चौथ पूजन की थाली में। पति के प्रति प्रेम की आत्मिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत पिया की दीर्घायु के लिए किया जाता है। अन्न जल का त्याग कर व्रत रख कर रात्रि समय में चांद को अर्घ्य देकर यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू है छलनी में से चांद और अपने चंदा यानी पिया को देखना, जो इस व्रत के उत्साह को बढ़ा देता है। चूंकि व्रत पति की लंबी उम्र के लिए है, इसलिए पूजन में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम बता रहे हैं पूजन सामग्री की सूची जो इस व्रत व पूजन में उपयोगी होती है। कुल मिलाकर ऐसी 36 चीजें हैं जो इस व्रत की शुरुआत से लेकर व्रत खोलने तक उपयोग में आती है। इस वीडियो को देखकर एक बार मिलान जरूर करें कि आपके पास कोई सामग्री कम तो नहीं है, और अगर है तो उसे अपनी सूची में जल्दी से शामिल कर लीजिए। आपकी सुविधा के लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूजन सामग्री का लिंक दे रहे हैं, जिस लिंक पर जाकर आप अपनी जरूरत की सामग्री खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं उन 36 चीजों के बारे में जो करवा चौथ पूजन के लिए उपयोगी होती है। पहला चंदन, दूसरा शहद, तीसरा अगरबत्ती, चौथा पुष्प, पांचवा कच्चा दूध, छठवा शक्कर, सातवा शुद्ध घी, आठवा दही, नौवा मिठाई, दसवा गंगाजल, ग्यारहवा कुमकुम, बारहवा अक्षत, तेरहवा सिंदूर, चौदहवा मेहंदी, पंद्रहवा महावर, सोलहवा कंघा, सत्रहवा बिंदी, अठारहवा चुनरी, उन्नीसवा चूड़ी, बीसवा बिछुआ, इक्कीसवा मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, बाईसवा दीपक, तेईसवा रुई, चौबीसवा कपूर, पच्चीसवा गेहूं, छब्बीसवा शक्कर का बूरा, सत्ताईसवा हल्दी, अट्ठाईसवा पानी का लोटा, उनतीसवा गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, तीसवा लकड़ी का आसन, इकतीसवा चलनी, बत्तीसवा आठ पुरियों की अठावरी, तैतीसवा हलवा, चौंतीसवा दक्षिणा के लिए पैसे, पैंतीसवा कथा की पुस्तक, छत्तीसवा पूजा का पाना अर्थात पान का बीड़ा। मित्रों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप सबको राधे राधे।